हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि TESL मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट कैसे दें। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे TESL मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो ये ऐसे खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है उसमें एक ये मेनू बार दे रखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपके कुछ डिटेल्स खुल जाएंगी, आपकी प्रोफाइल वगैरह खुल जाएंगी, पेमेंट वगैरह सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहीं पर आपके दिया हुआ है फ्री टेस्ट, आप क्लिक कर देंगे फ्री टेस्ट पे। जैसे ही फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे अवेलेबल टेस्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अपकमिंग टेस्ट यहाँ पे आपको शो करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो आपने अटेंड कर दिए वो टेस्ट यहाँ पे आप शो करेंगे। तो मान लेते हैं आपने एक टेस्ट ये अटेंड किया हुआ है कि इसके रेशनल कैसे देखें। तो जैसे 340 का टेस्ट है, इस पर हम क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक किया तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट आ गई कि किसके कितने इसमें मार्क्स आए हैं, ये सारी चीज़ें। व्यू रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके एक्यूरेसी की आपने कितने परसेंट क्वेश्चन सही कर रहे हो, ये आपके 90% से ऊपर होनी चाहिए जब भी आप करो। ये चीज़ ध्यान से समझना है, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, किसकी क्या रैंक रही, ये सारी चीज़ है। अब हम इसको पूरे को स्क्रॉल अप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा व्यू सॉल्यूशंस, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आपके ये टेस्ट दिख जाएगा, क्वेश्चन दिख जाएगा, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन बना रखा है सॉल्यूशन। अब हमने इसमें रेशनल डाला नहीं है इसलिए ये सॉल्यूशन पे दिखेगा नहीं ठीक से, क्योंकि सॉल्यूशन हमने ऐड ही नहीं किया है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, ये राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करके कि कौन से क्वेश्चंस पे आप जंप करना है। जैसे 9 में जंप करना है तो हम 9 पे क्लिक करके यहाँ जंप कर सकते हैं। जो रेड कलर में दिखेंगे वो आपके रॉन्ग है, आपने उसको अटेंड नहीं किया है। तो ऐसे करके आप TESL मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। और भी कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।